गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने डील किया था जो टॉपिक वो था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आज हम जो टॉपिक डील करेंगे दैट इज कॉल्ड इंडोस्पर्म फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग थोड़ा पीछे क्लास की तरफ जाते हैं। पीछे क्लास का जो लास्ट टॉपिक था वो था डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहा गया था क्योंकि उसमें सिंगल एम्ब्रायो सैक में दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, और ये जो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है ये एक है जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन और दूसरा है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। जो जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन है इसमें बनता है जाइगोट, और जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है इसमें बनता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बनता है इन फ्यूचर यही इंडोस्पर्म को बनाता है, ठीक है। और ये जो इंडोस्पर्म को ये बनाता है, ये पूरा इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बेसिकली किसमें है? सीड प्लांट्स में। सीड प्लांट्स हम किसको बोलते हैं? फेनेरोगैम्स। प्लांट किंगडम जो चैप्टर था 11 में उसमें हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था कि जब हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं तो दो हेडिंग में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? क्रिप्टोगैम, और दूसरा है फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम मतलब होता है विदाउट सीड, और फेनेरोगैम मतलब होता है विद सीड। विद सीड में दो आएगा, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। तो जो जिम्नोस्पर्म है वो हो गया नेकेड सीड बियरिंग प्लांट, और जो एंजियोस्पर्म है वो है फ्लावरिंग सीड। और क्योंकि हम ये चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट को ही साइंटिफिकली हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो अब हम जिस टॉपिक में आ रहे हैं वो है क्या? इंडोस्पर्म। सबसे पहले ये इंडोस्पर्म है क्या? इंडोस्पर्म एक फूड लेडन टिश्यू है, एक फूड लेडन टिश्यू है जिसका मेन पर्पस होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट, जिसको कहा जाता है पोषण देना, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। अब ये जो नरिशमेंट देता है कौन देता है? इंडोस्पर्म। किसको देता है? डेवलपिंग एम्ब्रायो को। तो इंडोस्पर्म एक फूड लेडन टिश्यू है जो नरिशमेंट देता है डेवलपिंग एम्ब्रायो को इन सीड प्लांट्स। लेकिन इसका जो कैरेक्टर है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अलग है। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, इंडोस्पर्म इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। इंडोस्पर्म क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। जबकि एंजियोस्पर्म में ये एक फूड लेडन टिश्यू है विच इज अ रिजल्ट ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। किसका रिजल्ट है? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन का। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को ही और एक नाम से जाना गया है, ट्रिपल फ्यूजन। तो इंडोस्पर्म के फॉर्मेशन को, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस के फॉर्मेशन को हम ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है तो ये तब बनाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और सेकेंड मेल गैमेट तो हैप्लॉइड है क्योंकि वो मियोसिस से बना है, लेकिन जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियस। दोनों पोलर न्यूक्लियस हैप्लॉइड था, NN था, लेकिन जब दोनों पोलर न्यूक्लियस फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया ये बना 2N। तो 2N प्लस N क्या हो गया? 3N। सो इट कंटेन 3 न्यूक्लियस एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म। पहला है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, दूसरा है सेलुलर इंडोस्पर्म, और तीसरा है हेलोवियल इंडोस्पर्म। अब सबसे पहले हम आएंगे न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म एक ऐसा इंडोस्पर्म है जिसमें सबसे पहले प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इट अंडरगो रिपीटेड लगातार माइटोटिक डिवीजन करेगा। और जब ये लगातार माइटोटिक डिवीजन करेगा इट स्टार्ट टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल फ्री न्यूक्लियर। इनिशियली क्या होता है कि इंडोस्पर्म के सेंटर में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनने के कारण जो जो साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस के साथ वो कॉर्नर में चला जाता है, वो माइग्रेट टुवर्ड्स द पेरिफेरी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है वैक्यूल। लेकिन जैसे जैसे साइटोप्लाज्म का थिकनेस बढ़ता है वैसे वैसे जो वैक्यूल का साइज है वो डिक्रीज होता है, और फाइनली क्या होता है कि वैक्यूल कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, कुछ सेल में
ये जो तुम्हारा साइट न्यूक्लियस का डिवीजन है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, ठीक है, और कुछ में ये कंप्लीट होता है। जिसमें कंप्लीट होता है इसमें मल्टीपल फ्री न्यूक्लियाई कंटेनिंग साइटोप्लाज्म गिव राइज टू अ मल्टी सेलुलर टिश्यू। मल्टी न्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म गिव राइज टू मल्टी सेलुलर टिश्यू, मल्टी न्यूक्लियेटेड टिश्यू। और उसका तीन एग्जाम्पल है, मेज, वीट और राइस। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिसमें ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है ये इनकम्प्लीट रह जाता है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोकोनट। कोकोनट में दो पार्ट है, आउटर पार्ट को बोलते हैं कोकोनट मील, आउटर पार्ट को कोकोनट मील और इनर पार्ट को कोकोनट मिल्क, MILK। जो कोकोनट मील है इट इज फॉर्म, कैसे फॉर्म होता है, कोकोनट मील इज फॉर्म ड्यू टू मल्टी सेलुलर इंडोस्पर्म, ड्यू टू मल्टी सेलुलर इंडोस्पर्म से फॉर्म होता है, जबकि कोकोनट मिल्क जो है इट इज फॉर्म ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर सेल एंड वैक्यूलेट इंडोस्पर्म सेल। किससे फॉर्म होता है, फ्री न्यूक्लियर सेल एंड वैक्यूलेट इंडोस्पर्म सेल दैट गिव राइज टू कोकोनट मिल्क, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म। इन सेलुलर इंडोस्पर्म एवरी न्यूक्लियर डिविजन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी हम ये भी बोल सकते हैं इन सेलुलर इंडोस्पर्म एवरी कैरियोकाइनेसिस दैट इज डिविजन ऑफ न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस दैट इज डिविजन ऑफ सेल, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग द सेलुलर इंडोस्पर्म रिमेन सेलुलर, ठीक है। जैसे देखो यहां पर दो है, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसमें भी था, सबसे पहले ये जैसे ही दो सेल में डिवाइड किया तुरंत बीच में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड किया, और जैसे ही साइटो ये सेल डिवाइड किया तो दो बना, फिर ये दोनों जब डिवाइड किया तो कितना बना, एक दो तीन चार सेल बना। तो जैसे ही चार न्यूक्लियस बना उसके तुरंत बाद एक दो तीन तुरंत साइटोकाइनेसिस भी हो गया। तो एवरी कैरियोकाइनेसिस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज हैविंग द कैरेक्टर ऑफ सेलुलर नेचर, एंड दैट इज व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। इसका दो कॉमन एग्जाम्पल है, एक पिटूनिया और एक धतूरा, और लास्ट है हेलोवियल इंडोस्पर्म। हेलोवियल इंडोस्पर्म क्या है, हेलोवियल इंडोस्पर्म एक ऐसा इंडोस्पर्म है जो कि बेसिकली हेलोवियल्स ऑफ द मोनोकॉट फैमिली में पाया जाता है। सेकेंड, हेलोवियल इंडोस्पर्म को कहा जाता है इट इज अ इंटरमीडिएट, बीच का है दोनों का कैरेक्टर, इट इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर, इट इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर इंडोस्पर्म एंड सेलुलर इंडोस्पर्म। बट ये शुरू कैसे होता है, इनिशियली जब हेलोवियल इंडोस्पर्म का डिवीजन होता है इट स्टार्ट लाइक सेलुलर बट फाइनली इट बिकम न्यूक्लियर। कैसे देखो यहां पे दिखा रहा है, जब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करता है ट्रांसवर्स साइटोकाइनेसिस से तो ये दो अनइक्वल सेल प्रोड्यूस कर रहा, देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, ऊपर वाले को हम बोले एम सेल मतलब माइक्रोपाइलर सेल और नीचे वाले को लिखे हैं सी सेल मतलब चैलेजल सेल। जब ये बना तो पहला डिवीजन कैसा हुआ, सेलुलर इंडोस्पर्म जैसा, मतलब इमीडिएटली कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ सेल। बट जब सेकंड स्टेज में आ गए बी में, नाउ द सेल्स ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड द चैलेजल स्टार्ट टू फॉर्म मल्टीपल न्यूक्लियस सेल, मल्टीपल न्यूक्लियस बनाने लगा, ठीक है। लेकिन यहां पे इन द फ्रॉम द सेकेंड स्टेप देखो कि जो दोनों में अलग अलग न्यूक्लियर सेल बना दोनों डिवाइड कर रहा है लेकिन कहीं पे भी सेल बनने के बाद, ठीक है, न्यूक्लियस बनने के बाद सेल नहीं बन रहा है। तो न्यूक्लियस बनने के बाद जब सेल नहीं बन रहा है तो अब ये किसका नेचर हो गया, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। फाइनली थर्ड में देखो बोथ माइक्रोपाइलर सेल एंड चैलेंजर सेल बिकम मल्टी न्यूक्लियट बट देयर इज नो डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। फाइनली ये पाया गया है कि द डिवीजन ऑफ द माइक्रोपाइलर सेल, द डिवीजन ऑफ द माइक्रोपाइलर सेल न्यूक्लियस इज मोर रैपिड देन द डिवीजन ऑफ चैलेंजर सेल। सो समटाइम ड्यू टू वेरी स्लो डिवीजन ऑफ द चैलेंजर सेल डीजेनरेट, चैलेंजर सेल डीजेनरेट, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है फेट ऑफ इंडोस्पर्म, जो इंडोस्पर्म एक फूड लेडिंग टिश्यू है उसका फेट क्या है, इंडोस्पर्म पाया कहां जाता है, इनसाइड द सीड। क्यों इनसाइड द सीड पाया जाता है, क्योंकि सीड के अंदर ही पाया जाता है एम्ब्रायो, और जो एम्ब्रायो है
इसी को कहा जाता है फ्यूचर प्लांट। तो एम्ब्रायो को एक प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए नरिशमेंट चाहिए एंड दैट नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड बाय एंडोस्पर्म। तो एक सीड में जो एम्ब्रायो है वो जब तक प्लांट को प्रोड्यूस कर रहा है तब तक एंडोस्पर्म रह रहा है, या प्लांट प्रोड्यूस होने से बहुत पहले ही एंडोस्पर्म खत्म हो जा रहा है, इसके ऊपर सीड दो तरह का है, एक है एंडोस्पर्मिक सीड और एक है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। दो सीड इन विच द एम्ब्रायो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट एंड स्टिल एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन इट। जब सीड एक एम्ब्रायो सीड के अंदर जो एम्ब्रायो है एक कंप्लीटली न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर रहा है और फिर भी सीड के अंदर इंडोस्पर्म मौजूद है तो इसको कहा जाता है इंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड। लेकिन जब एक सीड के अंदर जो एम्ब्रायो है वो प्लांट को प्रोड्यूस कर रहा है इसके बहुत पहले ही इंडोस्पर्म ऑलरेडी यूज हो चुका है, मतलब अब इंडोस्पर्म उसमें है ही नहीं, तो फिर उसको कहेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जब एम्ब्रायो ने प्लांट को प्रोड्यूस करे पूरी तरह से उसके पहले इंडोस्पर्म खत्म हो चुका है तो फिर एम्ब्रायो को नरिशमेंट कौन दे रहा है। इस केस में इंडोस्पर्म का काम करने लगता है कॉटिलेडन। द कॉटिलेडन बिकम थिक एंड फ्लैशी। फ्लैशी क्यों हो रहा है? बिकॉज दे स्टोर फूड। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।